में आगे देखने को मिलेगा कि समर के इस फैसले से पूरा परिवार हैरान रह जाता है। बापूजी से लेकर दोसू तक समर को कहते हैं कि तू घर का अच्छा बच्चा है, तू ये गलती कैसे कर सकता है। दोसू समर से कहता है कि गलतियाँ सिर्फ बाकी और दोसू करते हैं, तू कैसे कर सकता है। इस पर डिंपल बीच में आ जाती है और दोसू को नकारा होने का मजाक बनाती है। ऐसे में किंजल का पारा चढ़ जाता है और वो डिंपल को चार बातें सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। दोसू के बाद वनराज समर से सवाल करता है। ऐसे में हताश होकर समर चिल्ला पड़ता है और कहता है कि मैं थक गया हूँ अच्छा बच्चा बनकर। नहीं हूँ मैं अच्छा बच्चा, मुझे मम्मी की तरह अपनी अच्छाई की कीमत नहीं चुकानी है। समर का यह रूप देखकर अनुपमा हैरान रह जाती है। दूसरी ओर समर मालती देवी के नुकसान का भी जिक्र करता है, जिससे अनुज भड़क जाता है और कहता है कि ला कर दो मालती देवी के नुकसान का बिल, मैं भर दूंगा। शो में आगे दिखाई जाएगा कि मालती देवी नकुल को बताएगी कि उसने डांसर के तौर पर समर और डिंपल को हायर किया है। इस बात से नकुल नाराजगी जाहिर करेगा और मालती देवी को आईना दिखाएगा। वो मालती देवी से कहेगा कि हमारा नुकसान इतना भी बड़ा नहीं हुआ था कि आप अनुपमा को सजा दे। आगे चलकर अनुपमा तो आपको माफ़ कर देगी, लेकिन आप खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मालती देवी उसकी बात नहीं मानती और अपने फैसले पर कायम रहती है।